get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे उसामा साहब फिर से थामेंगे आरजेडी का दामन, लालू के साथ फिर आएंगे नजर। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आप सभी को बताते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। यानी कि इस चुनाव में जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा वह गठबंधन या दल बुलंद हौसलों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की लड़ाई लड़ेगा। वहीं इस उपचुनाव के बीच कई तरह के राजनीतिक उथल पथल और बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। जहां प्रशांत किशोर की जनसुराज ने सक्रिय राजनीति में एंट्री कर ली है, तो वहीं राजद ने भी अपनी भूल सुधार की कवायद शुरू कर दी है। सूत्रों से खबर है कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं। आज आधिकारिक रूप से उसामा साहब राजद की सदस्यता ले लेंगे। बताया जा रहा है कि उसामा साहब के राजद ज्वाइन करने के समय तेजस्वी यादव स्वयं मौजूद रहेंगे और इसके बाद वह लालू प्रसाद यादव से भी मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि लंबे समय से दिवंगत शहाबुद्दीन के परिवार ने राजद से दूरी बना रखी थी, लेकिन सूत्रों से खबर है कि लालू प्रसाद यादव एक्टिव हुए हैं। अब दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब आरजेडी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसे राजद के मुस्लिम वोट बैंक की मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के देहांत के बाद 3 साल से अधिक समय गुजर गए, लेकिन इस बीच शहाबुद्दीन के परिवार और राजद की दूरियां बनी रही। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने के बाद राजद से इस परिवार की दूरी भी साफ तौर पर दिखी है। हालांकि बीच बीच में हिना साहब को राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा भेजने की भी चर्चा जोर पकड़ती रही है, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बात हुई तो हिना साहब की जगह आरजेडी ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव की तरजीह दी। राजनीति के जानकार कहते हैं कि शहाबुद्दीन का परिवार जो है इससे खफा था। पीके की एक्टिव एंट्री से टेंशन भी आरजेडी आ गई। हालांकि राजनीति बदलती रहती है और इस बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की सक्रिय राजनीति में एंट्री ने राजद की मुश्किलें बढ़ा दी है। खासतौर पर जनसुराज मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर रहा है। ऐसे में राजद ने भी भूल सुधार का मन बना लिया है। एसटीबी की उनके सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर ने राजद नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दिया है और शायद इसीलिए मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आरजेडी सक्रिय हो गई है। और हीना जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने काफ़ी कुछ वोटें पाई थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आरजेडी जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों को एक बार फिर से अपने तरफ आकर्षित करने के लिए अपने भूल सुधार करने जा रही है और बड़ा फैसला अब आरजेडी खेल करने वाली है और मुस्लिम चेहरों को आरजेडी में शामिल करेगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, इसका क्या फ़ायदा सच में आरजेडी को होगा, इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।